हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एसएससी का, जो अभी अभी रिजल्ट जारी हुआ है। एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 3 का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, तो उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है, जितनी भी चीजें हमें जाननी है, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे एग्जाम कब हो सकते हैं, कितना कट ऑफ गया है, और आगे के एग्जामिनेशन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं क्या है आपका रिजल्ट। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये राइटअप आ गया है एसएससी की तरफ से। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ये सीजीएल 2019 के टीयर 3 का रिजल्ट है आपका, डिक्लेयर हो गया है, और इसके बाद जो है डीवी कंडक्ट होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद कंडक्ट होगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है 19/2/2021 को। ये इसका जो है उन्होंने टीयर 2 का जो एग्जाम रिजल्ट निकाला था फरवरी में, उन्होंने तो उसी क्या होने आगे का रिजल्ट जारी कर दिया है। फिलहाल एग्जाम साथ में ही कंडक्ट हो गया था नवंबर में ही, और फिलहाल इन्होंने ये दिया है कि मिनिमम मार्क्स कितना है यूआर का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो यूआर का मिनिमम मार्क्स 30% रखा है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 25% और अदर्स का 20%। देखिए ये जो परसेंटेज है इनका कुछ खास रेलेवेंस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा रेलेवेंस होता है, इसलिए कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स के टीयर 1 और टीयर 2 मिला के, दोनों ही टीयर 1 टीयर 2 और मिला के अगर किसी के मान लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, मान लीजिए 590 किसी के बन रहे हैं, लेकिन अगर टीयर 3 में उसके मिनिमम मार्क्स दैट इज 30% इन यूआर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25% और अदर्स में 20% मार्क्स भी नहीं आते हैं, तो उसे वो उसका रिजल्ट का कोई मतलब नहीं बचेगा, भले ही वो सेलेक्ट पोस्ट पा रहा होता। लेकिन नहीं, अगर इतने मार्क्स नहीं है तो आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मिनिमम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद टोटल इसमें चार लिस्ट हैं आपके, इस चार लिस्ट उन्होंने जारी की हैं। तो जो पहली लिस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, दैट इज डबल एओ, आपने देखा होगा इसकी पोस्ट का, हम लोगों ने इंटरव्यू किया था। दूसरी जो लिस्ट है वो जेएसओ की पोस्ट के लिए है। तीसरी जो लिस्ट है वो आपकी दूसरी लिस्ट आपकी जेएसओ की पोस्ट के लिए है, दूसरी और तीसरी तीसरी पोस्ट लिस्ट जो है वो सीपीटी रिक्वायर्ड जिन पोस्ट के लिए, इस बार इन्होंने अलग से एक लिस्ट जारी कर दी, अदरवाइज ऐसा नहीं करते थे। तीसरी पोस्ट उन लोगों की, तीसरी जो लिस्ट है वो उन लोगों के लिए जो लोग सीपीटी का एग्जाम देने वाले हैं, ये करने लगे हैं 2016-17 से ये चीज होने लगी है। और फोर्थ जो लिस्ट है वो है जिसमें डीएसटी जरूरत है, उन सारी लिस्ट के लिए है, ठीक है। तो पोस्ट अदर देन मेंशन इन प्रीवियस लिस्ट उनके बाकी के अदर पोस्ट के लिए हैं। सीपीटी कुछ पोस्ट के लिए चाहिए होता है, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज और एएसओ की जितनी पोस्ट है उन सभी में सीपीटी चाहिए, और कुछ और पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए होता है। और लिस्ट फोर जो है वो इंक्लूडिंग डीएसटी है, यानी जिसमें टाइपिंग चाहिए वो भी है, जिनमें टाइपिंग नहीं चाहिए वो भी है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप पहली लिस्ट की बात करेंगे, तो पहली लिस्ट आपके सामने रखी हुई है जो कि डबल एओ की पोस्ट के लिए है। इसमें जो यूआर की कट ऑफ गई है वो 710 गई है। ध्यान दीजिए, ये जो 710 कट ऑफ है ये आपकी जो है इसमें पेपर वन है, टीयर वन के तो मार्क्स शामिल हैं ही, इसके बाद पेपर वन, पेपर टू दैट इज मैथ्स और इंग्लिश, और उसके बाद पेपर फोर जो डबल एओ का पेपर होता है उसके मार्क्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो 200 मार्क्स का वो पेपर है, तो ये जो आपका 700 में से ये जो कट ऑफ गई है, 700 में नहीं गई होगी ये, 800 में से 710 कट ऑफ गई है, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 559 है, ओबीसी की 510, एसटी की 431 और एससी की 482 कट ऑफ इन्होंने गई है। इसमें टोटल इन्होंने 2238 बच्चे लिए हैं। इसके अलावा दूसरी जो लिस्ट है ये आपकी जेएसओ की पोस्ट के लिए है। जेएसओ की पोस्ट की बात करेंगे तो इसकी जो कट ऑफ गई है वो यूआर की गई है 536, ईडब्ल्यूएस की 503, ओबीसी की 480, एसटी की 404 और एससी की कट ऑफ गई है 417। इसी तरीके से ओएच की कट ऑफ 478, एचएच की 355, वीएच की 370 और पीडब्ल्यूडी की 466 कट ऑफ गई है। इस पोस्ट के लिए इन्होंने 1862 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। इसमें अभी इन लोगों का डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा किसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो अभी फाइनल सिलेक्शन होने में करीब आप ये मान के चलिए 6 महीने का समय और लग जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी लिस्ट है वो है आपकी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 3 फॉर ऑल पोस्ट रिक्वायरिंग सीपीटी, जिन पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए है। तो ये बेसिकली काफी मायने रखती है जिसमें सीपीटी चाहिए, ये लिस्ट काफी मायने रखती है जिसमें इन लोगों का नाम है, इन लोगों के सिलेक्शन के हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें आपके जो यूआर की कट ऑफ है वो गई है 424, ईडब्ल्यूएस की 594, ओबीसी की 593। एक चीज आप देख सकते हैं पैटर्न, जो मैं पिछले जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें से नोटिस करते हुए आ रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग आसपास रहती है। तो जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस में के एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई जरूर किया करें, क्योंकि बेनिफिट है,
एसटी की 525 और एससी की 547 कट ऑफ गई है। इसी तरीके से ओएस की 493, एचएस की 382 एंड वीएच की 591 एंड पीडब्ल्यू की 353 कट ऑफ गई है। यूआर की 624 कट ऑफ है। दिस इज प्रीटी मच हाई, ठीक है, लेकिन ये टीयर 3 मिला के है तो इतनी बन सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए 624 अगर यूआर की कट ऑफ है इंक्लूडिंग टीयर 3, तो पहले के जब मतलब 2016 में जब मैक सेलेक्ट हुआ था उस साल 540 तक एक्साइज मिली थी इंक्लूडिंग टीयर 3, मैं बता रहा हूँ, तो ये काफी हाई है ये कट ऑफ। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे लास्ट लिस्ट जिसमें आप डीएसटी इंक्लूडिंग वाली पोस्ट है जिसमें सीपीटी नहीं चाहिए, इसमें आपके 562 कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, यूआर की 605 कट ऑफ है, और यूआर की 605 कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 562, ओबीसी की 559 अगेन आसपास है, एसटी की 491, एससी की 518, ईएसएम की 442, ईएसएम एक्स सर्विसमैन है, ओएच 475, एचएस 360, वीएच 509, पीडब्ल्यूडी की 346 कट ऑफ गई है, ठीक है। इस जितने भी लोग ये स्किल इसमें क्वालिफाई हुए हैं इन लोगों को स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा, जो सीपीटी देना है उन लोगों को सीपीटी देना होगा, बाकी लोगों को टाइपिंग वगैरह देना होगा, ठीक है। और जिन भी लोगों का नाम एक से ज्यादा लिस्ट में है उनको कैंडिडेट्स हु नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा उसे फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं दे विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 9/7/2021, यानी कि 9 जुलाई को मार्क्स आ जाएंगे वेबसाइट पे, 9 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको मार्क्स वेबसाइट पे दिख जाएंगे टीयर 3 के। सो दिस वॉज अबाउट टीयर 3 रिजल्ट। टू बी ऑनेस्ट द कट ऑफ इज प्रीटी मच हाई, पहले की जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा नहीं जाती थी, मैं आपको बताऊँ ये कट ऑफ काफी ज्यादा है। अगर आप सीपीटी वाली पोस्ट के लिए देखेंगे तो 624 कट ऑफ है, और बिना सीपीटी की अगर आप देखेंगे तो यूआर की कट ऑफ 605 है। अगर ये कट ऑफ 605 है आपकी सिर्फ डीएसटी की पोस्ट के लिए, तो आप ये मानिए जो भी लोगों का नंबर जिन लोगों का नाम सीपीटी वाली लिस्ट में है दे आर इन द सेफ जोन, दे विल गेट एटलीस्ट वन पोस्ट एज पर माई एक्सपीरियंसेस। जितने भी लोगों का नाम इससे पहले वाली लिस्ट सीपीटी वाली लिस्ट में है वो लोगों को कोई ना कोई पोस्ट तो अवश्य मिलेगी, दिस कैन बी प्रीटी मच श्योर। लेकिन इसमें जिसमें लोगों का नाम है 624 जिनके हैं, लेकिन जिसका नाम इस लिस्ट में है जिसमें डीएसटी वाली बात है, यहाँ पर वी कैन नॉट बी श्योर कि इनका सिलेक्शन पक्का है या नहीं, क्योंकि एज यू कैन सी 27,000 कैंडिडेट्स इन्होंने लिए हैं। अब 27,000 कैंडिडेट्स अगर इस लिस्ट 3 में आते हैं और फाइनल पोस्ट जो है वो 9-10,000 के आसपास ही है, 8-10,000 के बीच में है, तो अगर वैकेंसीज इतनी कम है तो इतने लोग ऑब्वियसली बात है इतने लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। तो जो आप ये मान के चल सकते हैं जिन भी लोगों के नंबर 624 के ऊपर हैं यहाँ पर भी 13,982 लोग हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो 624 के आसपास जाएगी, 624 से ज्यादा ही जा सकती है फॉर द फाइनल पोस्ट, ठीक है। ये है, बाकी डिपेंड करेगा कितने लोग डीवी छोड़ते हैं, कितने लोग अप्लाई जाते हैं, ये उन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। फिलहाल आप में से जो भी लोग अभी इस लिस्ट में नाम नहीं है और अभी आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहना यही होगा द कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी फियर्स, बहुत हाई कंपटीशन हो रहा है धीरे धीरे, और 624 कट ऑफ है टीयर सीपीटी के लिए जो कि पहले इतनी नहीं होती थी। जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था मैंने आपको पहले ही बताया कि 513, मैं आपको इंक्लूडिंग टीयर 3 बता रहा हूँ, 513 तक फाइनल पोस्ट मिली थी इस 2016 में। तो आगे कट ऑफ एनालिसिस और सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे के आने वाले वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि इतने मार्क्स कितने मार्क्स आपको लाने हैं इंक्लूडिंग टीयर 3, तो दिस इज गोइंग टू बी प्रीटी मच हाई। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे कई सारे कोर्सेज आ रहे हैं जैसे कि आरसी पैरा जंबल क्लोज टेस्ट, आप लोगों को काफी दिक्कत होती है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी पर जुलाई में शुरू हो रहा है। इसी तरीके से नरेशन और वॉइस का कोर्स है जो कि जुलाई में शुरू हो रहा है, इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, 8-9:30 तक रात में क्लास चलेगी। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कोर्स है जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, दोपहर के 3-4:30 तक इसमें क्लास चलेगी, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली फ्री क्लासेस होती हैं रीजनिंग की और इंग्लिश की, तो इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक क्लास 1 बजे और दूसरी क्लास शाम के 5 बजे चलती है। इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर अभी आप तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके पास। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पूरे पैसे नहीं है, जैसे कि आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 7800 रुपये चाहिए, अगर आप रेफरल कोड AMNT लगाएंगे तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5850 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे टोटल नहीं है
तब भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ईएमआई पर। तो आप ईएमआई ले लीजिए, 542 रुपए की ईएमआई बनती है। अगर आप रेफरल कोड लगाएंगे तो और क्वाइंस यूज करेंगे, ये कॉस्ट और कम हो जाएगी, तो महीने का लगभग 500 रुपए पड़ेगा और उसके बाद आप 12 महीने तक तैयारी कर सकते हैं। तो ईएमआई पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, क्योंकि प्राइसेस जो है वो जुलाई में बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लीजिए, जिससे कि ये कॉस्ट और ज्यादा आपको पे ना करनी पड़े, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अदर टीचर्स के, अदर फैकल्टीज के, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और मिलते हैं हम लोग क्लासेस में, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि कट ऑफ कितनी जा रही है, कितनी कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया ही, ठीक है। सो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वेरी वेरी मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।